हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो दुनिया के लिए वो है CBRN, यहाँ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे। तो हाल ही में भारत सरकार ने एक जो है अपने इस पे एक दल का उसने गठन किया था कि वो इसके बारे में जो जागरूकता फैलाएं, और साथ में जो है बहुत जल्द जो है गुजरात में जो है एक सी मेडिकल सेवा भी हो सकता है प्रोवाइड की जाए, जो जितने भी लोग इन दुर्घटनाओं में जो है घायल होते हैं उनके इलाज के लिए। तो देखिए, CBRN इस समय जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की जो है एक कंसर्न है, चिंता है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं या फिर अन्य राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र होता है, उनमें युद्ध के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो CBRN जैसे हथियारों का उपयोग करते हैं। तो CBRN रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। जी हाँ, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो देखिए, इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जबकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है, या हमें किसी को बिना बताए जो है क्षति पहुँचानी होती है। जी हाँ, ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन है, तो ये जो है किसी अन्य विस्फोटक के साथ या जो है किसी भी मिसाइल या फिर कोई भी जो ऐसा प्रक्षेपक होता है उसमें ये यूज किया जा सकता है। उनकी वार हेड के, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल वार हेड लगाते हैं या फिर गोला बारूद वाले, उसके स्थान पे हम इससे जो है डिप्लॉय करके जो है किसी भी क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यूनाइटेड नेशन ने भी, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, रशियन और जापानी विभिन्न जो देश हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं और जो है इससे जो है निपटने की हालत के लिए तैयारी करते हैं। तो देखिए, हम इसी पर बात करें कि जो ये CBRN हथियार हैं, ये सामूहिक विनाश के हथियार हैं, उनके रूप में क्यों आते हैं, और साथ में इनका जो है बड़े पैमाने पर जो है उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो है, जैसे कि टेस्टिंग या फिर परीक्षण या फिर बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं प्रयोगशाला में, तो उनमें किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि कभी कभी हो सकता है कि दुर्घटना बस ये प्रसारित हो जाए तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी जो है सरकार ने कुछ सुझाव जारी किए हैं। तो CBRN का उद्देश्य क्या है? देखिए, लोगों को और देशों को जो है CBRN की जो आपदाएं होती हैं उससे बचाने के लिए जो है हमें प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार की जो है जागरूकता लोगों को प्रदान करना चाहिए। ये देखिए, यह कोई युद्ध या फिर आतंकवाद के ही लिए आवश्यक नहीं है कि जब युद्ध होगा या फिर आतंकवादी घटना होगी तभी इनका उपयोग होगा। इनका उपयोग किसी भी हालात में भी, किसी भी मतलब असावधानी में भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, जो मध्य प्रदेश में हुआ था कि भोपाल गैस त्रासदी, वो फिर, या फिर देखिए अब जो हम आम ये जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो तो समझ सकते हैं आप, केमिकल मतलब था मिथिल आइसोसाइनाइड, और इससे जैसे जापान में जो भूकंप के दौरान जो सुनामी के दौरान जो फुकुशिमा संयंत्र था इस, और जो है यूक्रेन में जो है देखिए आप चेरनोबिल था, ऐसी जो दुर्घटनाएं हुई उनसे निपटने के लिए जो है सरकार अब जो है इस पर जो है ज़्यादा जागरूक हो गई है। तो आपदा प्रबंधन में CBRN क्या है? ये फेमाने जीवन के नुकसान को तेजी और प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, साथ में पर्यावरण की रक्षा करने और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघीय, राज्य, स्थानीय, आदिवासी और क्षेत्रीय आपातकालीन उत्तरदाताओं और योजनाकारों के लिए जो है वो CBRN प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए एक मानकीकृत जो है सूट विकसित किया है। तो रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर में क्या अंतर है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, जो परमाणु घटनाएं होती हैं ना उनमें जो है परमाणु उपकरण का विस्फोट शामिल होता है, आप जान ही रहे हैं, जबकि जो रेडियोलॉजिकल घटनाएं होती हैं उनमें परमाणु उपकरण के विस्फोट के बिना ही विकिरण उत्पन्न कर दिया जाता है। जी हाँ, जैसे कोबाल्ट-60 है, आयोडीन-131 है, कोई या पोटेशियम-90 से जो इनके जो जो विभिन्न प्रकार के जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, उनका उपयोग जो है आप देख रहे हैं कि कैंसर या फिर अन्य बीमारियों के जो है इलाज में जो है किया जाता है। तो कभी कभी ये जो है इन्हें बाद में जो है विशेष प्रकार के पैकेट में पैक करके और इनका जो है निपटान किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इससे जो है किसी प्रकार का खतरा हो जाए, या फिर कभी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई कंटेनर टूट जाता है, ऐसी स्थिति में जब ये फैल जाएंगे तो इनसे कैसे निपटा जाएगा, इसी पर चर्चा हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या पानी जो है विकिरण को रोक सकता है? तो 1977 में जो DOE है यहाँ, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट तैयार की थी। इन्होंने कहा था कि यदि 7 सेंटीमीटर मोटी जो है पानी की एक लेयर जो है किसी बर्तन में तैयार की जाए या पॉलीथीन में, तो यह जो है जो विकिरण है या फिर रेडिएशन है उनके जो प्रभाव को आधे से अधिक जो है शोषित कर लेती है। और जो है अब देखिए, जो है हैजमैट और CBRN में क्या अंतर है? तो हैजमैट, ठीक है, CBRN आमतौर पर जो खतरनाक सामग्री होते हैं जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल या रासायनिक, जैविक और न्यूक्लियर
और साथ में रेडियोलॉजिकल, तो उनके लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जो हैजमेट शब्द का प्रयोग जो है ना आकस्मिक विषाक्त औद्योगिक जो सामग्री है उसके संपर्क के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो मतलब दुर्घटनावश किसी प्रकार का जो जहर जो है फैल जाता है या फिर विषैले पदार्थ होते हैं वो फैल जाते हैं, तो उसके लिए जो है हेजमेट का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों में क्या अंतर है? देखिए, जो परमाणु हथियार है ना उसमें तो आप जान ही रहे हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये किसी प्रकार से जो है इनकी सामग्री दुर्लभ और जटिल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए किसी भी प्रकार के जो आतंकवादी हमले उन आतंकवादियों को पहुँचने के लिए जो है बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो जैविक और रासायनिक हथियार ना ये तुलनात्मक रूप से कम लागत में ही बनाए जा सकते हैं, विकसित किए जा सकते हैं, और ये सभी राज्यों में लगभग जो विभिन्न प्रकार के जो संगठन उनके किसी न किसी प्रकार से पहुंच में रहते हैं। तो जो है इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो रासायनिक और जैविक हथियार ना इन पर जो है लोगों की जो पहुंच है वो बहुत आसानी से हो सकती है। जैसे कि आप देखिए हैं बहुत सारी बीमारियां जो है, प्लेग सबसे पहले इसका उपयोग जो है किया गया था एक युद्ध में, ऐसी बहुत सारी बीमारी जैसे कि आप मान लीजिए कोई कॉलरा का वायरस है या फिर डायरिया का वायरस, मतलब कॉलरा का बैक्टीरिया है या फिर डायरिया का बैक्टीरिया है, इस तरह के आप किसी क्षेत्र में प्रसारित कर दीजिए, तो यदि कोई व्यक्ति वहाँ सावधानी नहीं बरतेगा तो ये एक व्यक्ति में होकर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये होता है कि बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है आप देखिए COVID-19 जो था, ऐसा माना जाता है कि ये भी जो है एक तरह का चीन के द्वारा विकसित किया गया एक जो है बायोलॉजिकल वेपन है। दूसरा जो केमिकल वेपन है जैसे कि सारिन गैस हो गई, मतलब क्लोरीन गैस हो गई, इसके अतिरिक्त ल्यूशाइट हो गई, ये सभी गैसें जो है ये केमिकल हथियार के रूप में मानी जाती हैं, जो कि स्किन एजेंट, नर्व एजेंट और जो है लंग्स एजेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन सभी को, नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, किसी कोई आँखों को डैमेज कर देता है, अमोनिया देखिए विभिन्न प्रकार के जो है क्षति पहुँचाता है। तो रासायनिक, जैविक और जो रेडियोलॉजिकल और परमाणु रक्षा सुरक्षात्मक उपाय हैं उन परिस्थितियों में किए जाते हैं जब ऐसे खतरे मौजूद हों, लेकिन सरकार को जो है इस प्रकार के जो प्रशिक्षण अभी भी अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि जब कोरोना की बात कोई जब बीमारी फैल जाए तो हम उसके लिए सावधानी बरतें। तो CBRN का प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए लोगों और देशों को जो CBRN आपदाओं के भयानक प्रभाव से बचाने के लिए CBRN का प्रशिक्षण आवश्यक है। CBRN परिशोधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो डिकन्टेमिनेशन होता है CBRN को, तो देखिए इसमें यह सब बताया जाता है जो घाव होता है ना उसे 5 से 10 मिनट के लिए आप खारे पानी या फिर जो साफ स्वच्छ जल हो उससे जो है आप धुलाई करें, और जो रोगी की जो खुली त्वचा होती है जहाँ पे घाव हुआ है उसे जो है किसी प्रकार से मतलब इन्फेक्टेड ना करें या मतलब गंदे हाथों से छुए ना, यदि आवश्यक हो तो जो जो सर्जिकल मतलब एक प्रकार से पॉलीथीन जैसे आते हैं मतलब कपड़े या फिर पट्टियाँ आती हैं उनका उपयोग करें, और जो सॉफ्ट स्पंज होती हैं उन्हीं के द्वारा आप 10 से 15 मिनट तक जो है साबुन और पानी के साथ क्षेत्र को जो है हमेशा फ्लश करते हैं, मतलब हल्के हल्के हाथों से धोते रहें जिससे इन्फेक्शन ना होने पाए। और देखिए आप मतलब हाउ डू यू कंटेमिनेशन ए रेडियो एक्टिव एरिया, रेडियो एक्टिव जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कीटाणु रहित कैसे करें, मतलब कीटाणु रहित करें मतलब उन्हें कैसे हम उनसे प्रभाव को उनके कम करें, तो ये देखिए ऐसा बताया जाता है कि यदि आप स्नान कर लें सर्वप्रथम तो आप अपने जो कपड़े उतार लें, जितनी कपड़े उतार किसी पॉलीथीन या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से आप जो आपसे दूर हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रेडिएशन उससे भी होगा जिस कपड़े में जो कपड़े पहन के आप जाएंगे, या फिर दुर्घटना में मान लीजिए आप किसी प्रकार से फंस गए तो इस कपड़े जो है सबसे ज़्यादा रेडिएशन सोखेंगे। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है और साबुन जो है लगा लेना है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो रेडियो थर्मी का प्रभाव वो कम कर लेंगे, गर्मी को उसकी खींच लेंगे, और जो स्किन है उसमें ज़्यादा खरोंच नहीं आनी चाहिए, या फिर आप ज़्यादा उसके रगड़ें मत स्किन को, या फिर किसी प्रकार का स्क्रब ना करें, खरोंच ना करें जिससे कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या फिर रेडिएशन वो आपके शरीर के अंदर ना पहुंच पाए, और इस प्रकार से बालों से भी जो है बाल जो भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा शोषित करते हैं, तो बालों को शैम्पू या साबुन से धोएं। तो CBRN क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो देखिए CBRN क्षेत्र जो है वो आमतौर पर ओलिव कलर से जो जैतून रंग होता है उसके द्वारा जो है इसे इंगित किया जाता है। तो कौन सा फेस मास्क चाहिए CBRN से बचने के लिए? तो देखिए जो हाल ही में COVID-19 से निपटने के लिए N95 मास्क आप देख ही रहते हैं यूज किया जाता है, ऐसे इसका एक थोड़ा इसी इसी प्रकार का होता है, जब कोई मास्क ना मिले तो आपने N95 का ही उपयोग कर लीजिए, लेकिन जो है इनके जो मास्क होते हैं वो अलग आते हैं, जिसे अक्सर जो है विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे कि जो हमारे इलीट फोर्स कमांडोज हैं वो आमतौर पर एक मास्क लगाए रहते हैं, जो कि उन्हें जो है बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल विभिन्न प्रकार के जो ग्रसित क्षेत्र हैं मतलब प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जो है वो पहनकर जाते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ों पर रेडिएशन रहता है, तो जी हाँ कपड़ों पर जो है 90% तक जो रेडिएशन वो कपड़े से ही शोषित करते रहते हैं, इसलिए जब भी ऐसी
स्थिति में आप फंस जाएं, तो आप जो है कपड़ों को बहुत सावधानी से पकड़ें और इन्हें किसी प्लास्टिक बैग में सीज करके किसी बहुत दूर स्थान पर रख दें या फिर ज़मीन में दफन कर दें। तो क्या बर्फ विकिरण को रोक सकता है? जी हाँ, बर्फ जो है एक अप्रत्याशित रूप से इसका बहुत अच्छा सावधान मतलब समाधान है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जानते हैं, और हाइड्रोजन विशेष रूप से जो विकिरणों को रेडिएशन रोकने में माहिर होता है। कौन सा पदार्थ विकिरण रोक सकता है? तो देखिए, शीशा सबसे बेस्ट उपाय है, ग्लास, कंक्रीट, पानी, ये जो गामा किरणों के ना जो उनकी जो गामा किरणों की क्षमता होती है ना उसे काफ़ी हद तक कम कर देते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ये शोषित भी करते हैं गामा किरणों को। और देखिए, यदि गामा किरणें अब डीएनए या फिर ऊतक में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये म्यूटेशन उत्पन्न कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होंगी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी कि हमें स्वयं अनुमान नहीं होता। और प्याज, प्याज भी जो है विकिरण का बहुत अच्छा शोषक है। जब भारत ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, तो उसने जो है प्याज का उपयोग किया था, प्याज के छिलके का, कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है विकिरण को शोषित कर लिए थे। क्या आप आमतौर पर ऐसा बताया भी जाता है जो है प्याज और लहसुन जो है आप भोजन में शामिल कीजिए, इससे जो है एंटी ऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लेवोनाइड का उपयोग करके जो हम कैंसर संबंधी जो कारक है उनको कम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो रेडिएशन शील्ड है वो क्या है? देखिए, एक्सरे और गामा रे से लड़ने के लिए ना जो शीश मतलब ग्लास से ग्लास कोटेड या फिर कंबल जो होते हैं ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। प्रत्येक परमाणु जो है 82, देखिए ग्लास में जो है ना ग्लास का जो एटॉमिक नंबर है वो 82 है, और जो वेट है लगभग 206 मतलब 82 PB 206, ऐसा जो है ग्लास की मतलब इंडिकेट किया जाता है और सारणी में। तो इसे बहुत अच्छा एक काफ़ी घना धातु माना जाता है, और माना जाता है ये जो बहुत अच्छा जो है रेडिएशन का शोषक होता है और आपको रेडिएशन से बचा भी लेगा। तो प्लास्टिक विकिरण जो है ये भी जो है नासा के जो अभी हाल ही में उसने जो है ल्यूनर एक रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर में सवार एक उपकरण को जो बनाया था मतलब इसे भेजा था, तो इन्होंने इस बात से जो है एक बहुत अच्छा शोध में पता लगाया कि जो प्लास्टिक होता है ना ये भी जो है कहीं ना कहीं रेडिएशन को रोकने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो तेज गति वाले आवेशित कणों से विकिरण की जो डोज है उसे कम कर देता है। ये शोधकर्ताओं ने कहा था कि वैज्ञानिकों ने लंबे समय से संदेह का जो ये मामला था कि क्या प्लास्टिक और फाइबर जो है रेडिएशन रोक पाएंगे, तो उन्होंने इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महान पुष्टि पाया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम CBRN से जो हो रहे हैं हमले हैं इनसे आसानी से बच सकते हैं। ये देखिए जो है ये यूरोपियन में जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, जब मतलब अभी भी दी जाती है CBRN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा एक आयोजन किया गया था, उसमें देखिए इनका फेस मास्क आप देख सकते हैं, और साथ में भारत सरकार भी जो है इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। पिछले अभी हाल ही में जो है मिस्टर अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने इस बारे में जो है एक सिविल में एड्रेस करते हुए लोगों को बताया था कि जो है इस समय जो है साइबर और जो ये CBRN है ये हमारे जो है देश के लिए सबसे बड़े खतरे हैं के रूप में उभर रहे हैं, तो इनसे आप सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये भारतीय सेना का वीडियो है कोविड-19 के दौरान जो है, और ये देखिए ये है CBRN, इसे तो ये न्यूक्लियर है, ये लैब मतलब ये देखिए टेररिस्ट से जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए, देखिए केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और ये टेररिस्ट से होने वाले खतरे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं।